हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद है। सलमान संगीता से अक्षय रवीना तक होते होते रह गई इन स्टार की शादी। एक जोड़ी के तो छप चुके थे वेडिंग कार्ड भी। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। अभिषेक बच्चन की शादी कभी करिश्मा कपूर से होने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट भी किया था और इनकी सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन कहा जाता है कि जया बच्चन नहीं चाहती थी कि अभिषेक करिश्मा से शादी करी। ऐसे में ये रिश्ता भी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच सका। नंबर दो की बात कर रहे हैं तो अक्षय कुमार और रवीना टंडन। रवीना टंडन कभी अक्षय कुमार संग सीरियस रिलेशनशिप में भी थी। बताया जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई भी कर ली थी, लेकिन बाद में अक्षय शादी से मुकर गए थे। इस बात से रवीना को काफी गहरा झटका लगा था। नंबर तीन की बात करें तो सलमान खान और संगीता बिजलानी। सलमान खान और संगीता बिजलानी का कभी अफेयर था। दोनों की शादी भी होने वाली थी। दोनों की शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, लेकिन फिर भी इन सेलेब्स की शादी नहीं हो पाई। संगीता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी के 1 महीने पहले मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उन्हें फॉलो करना शुरू किया, यानी कि सलमान खान को, और पाया कि वे शादी करने के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा भी लगने लगा कि वे तो बॉयफ्रेंड बनने के काबिल में नहीं है। ये बहुत ही इमोशनली ट्रामेटिक और टेरिबल एक्सपीरियंस था। नंबर चार की बात करें तो साजिद खान और गौहर खान। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान कभी गौहर खान संग रिलेशनशिप में भी थे। दोनों कलाकारों ने सगाई भी कर ली थी। इस बात का खुलासा साल 2003 में साजिद ने खुद एक इंटरव्यू में किया था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। नंबर पांच की बात करें तो उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना। उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उपेन ने नच बलिए शो में करिश्मा तन्ना को सगाई की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था, हालांकि बाद में इस जोड़ी ने भी रिश्ता खत्म कर लिया था। नंबर छह की बात करें तो विवेक ओबराय और गुरप्रीत गिल। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय का अफेयर ऐश्वर्या राय के अलावा मॉडल गुरप्रीत गिल से भी चला था। दोनों अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने सगाई भी कर ली थी। हालांकि दोनों बाद में सगाई तोड़कर अलग हो गए थे। नंबर सात की बात करें तो अमृता सिंह और रवि शास्त्री। 80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह एवं पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी सगाई कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। रवि चाहते थे कि शादी के बाद अमृता अपना घर परिवार संभालें और फिल्मों में काम ना करें, लेकिन एक्ट्रेस को ये मंजूर नहीं था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।